गैस से अंदर जा रहा है, इससे ऐसी छोटी सी गैस है, गैस कवर नहीं हो पाया। गेट छोटा सा है, हम घुस नहीं पा रहे हैं, लेकिन हम घुस जाएंगे। इस टाइम पे दोपहर की, दोपहर तो नहीं, शाम ही हो चुके, सॉरी 4:30 बज चुके हैं और धूप बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी ताव और तोड़ धूप है, देख सकते हैं हमारा चेहरा। गेट को पीछे से दिखाना, हम बहुत काले हो चुके हैं। हाँ, ये देख लीजिए गेट, हम बोटेनिकल गार्डन की ओर बढ़ रहे हैं। के साथ बहुत सारे बातें भी करेंगे, पार्क दिखाने के साथ जो गार्डन है वो भी दिखाएंगे, साथ में बात भी करेंगे। और देख सकते हैं भाई लोग, हम बोटेनिकल गार्डन के अंदर आ चुके हैं। ये मेरा भाई पसंदीद यूट्यूबर। लगा लो क्या? मास्क लगा लो भाई, पुलिस वाले होंगे तो आपको लपेट लेंगे यार, 500 रुपए के चालान काट रहे हैं। सही बात है। अब हम बोटेनिकल गार्डन के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, देख सकते हो आप प्रवेश, ओ काफी बहुत अच्छा। या पे ये मेरा भाई पसंदीद कहीं ले जा रहा है मुझे बोटेनिकल गार्डन में। यहाँ पे दिखाना, यहाँ पे क्या है? मेरा भाई पसंदीद कुछ दिखा रहा है, ये है नेचर पार्क चंडीगढ़। मास्क खोल लूँ क्या? खोल दो भाई। हम फर्स्ट टाइम ऐसे ब्लॉग बना रहे हैं, पता नहीं चल रहा कि क्या बताना है क्या नहीं बताना, कुछ आइडिया है नहीं। एक्चुअली मैं सिनेमेटिक वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरा पुराना वीडियो, तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि कैसे बोलूँ, क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। यहाँ पे नेचर पार्क, सबसे पहले गेट की फ्रंट पे, तो हमने सबसे पहले यही दिखा लूँ बोटानिकल गार्डन, क्या लिखा है नेचर पार्क? चंडीगढ़ बोटेनिकल लाइक बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूपी चंडीगढ़ ऑन 2002। एक पत्थर बनाया क्या 2002 में? एक्चुअली वीडियो जो है हमने मोबाइल पे बना रहे हैं, हम सारा वीडियो मोबाइल पे बनाते हैं, कैमरे पे अभी ऐसा है नहीं, कैमरे पे बनाया नहीं हमने, सारा जो जितना भी मेरा पुराना वीडियो है मोबाइल पे शूट हो चुका है, और मैं बता चुका हूँ सिनेमेटिक वीडियो ही बनाता हूँ। तो आज सोच रहा हूँ कि थोड़ा अलग कर, ब्लॉगिंग कर रहे हैं हर कोई ब्लॉगिंग कर रहा है सारे लोग, तो मैं भी सोच रहा कि थोड़ा दिखा दो आप लोगों को जो है आसपास में जगह उसके बारे में, और थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो जाए मुझे, कि पर मुझे पता नहीं चल रहा है एक्चुअली मैं क्या बोलूँ, आप लोगों से क्या बात करो, क्या है तो बहुत कुछ दिखाने लग, बहुत कुछ है यहाँ पे पर पता नहीं चल रहा है कि आप लोगों को दिखाओ क्या। ये घर दिखा देता हूँ आज। बाकी इस पार्क में हम दो बंदे रोज आते हैं, यहाँ पे बहुत सी लड़कियाँ आती है। लड़कियाँ आ नहीं, लड़कियाँ आ जाएंगी अभी, आएगी थोड़ी देर बाद, टाइम होगा तो। बस देख रहे हो लौंडे की, बस थोड़ी देर बाद लड़कियाँ आएंगी यहाँ पे। अभी मैं मेन गेट से आगे आ चुका हूँ और सामने घर है वो भी दिखा लेता हूँ, इस साइड को भी बहुत कुछ है दिखने को। एक बाद में आऊँगा मैं, उससे अच्छे घूम के आऊँगा और सारा कुछ आपको दिखा दूंगा कि इसमें क्या क्या है। पहले आगे को इस साइड से राउंड ले लेता हूँ ना, है ना, लेफ्ट साइड से पूरा राउंड सही रहेगा, फिर सेंटर में आ जाऊँगा। और आप लोग देख रहे हो नज़ारा कितना सही है, मतलब लुक्स बहुत ही सही है, रोड वगैरह जो साइड पे पेड़ वगैरह है, और अगर आप लोगों ने घूमना फिर ना हो, बहुत सही जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, आ जाना कभी और बता देना कमेंट्स में कि कैसा लगा है जगह। तो आगे को दिखाता हूँ आप क्या क्या है आगे को। भाई कैमरामैन सरा यहाँ पे घुमा ब्रो, हो गया बोलो ना आप। अभी अभी मैं यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे घर से बना हुआ है, तो यहाँ पे साइकिल भी है यार, पता नहीं किसने साइकिल रखा हुआ है। और सच्ची में फ्रेंड्स मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है मैं क्या बात करूँ, पर है बहुत कुछ है यहाँ पे दिखाने लायक, देखने लायक बहुत कुछ है, और बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। अभी यहाँ पे एक घर ही दिखा देता हूँ, तो कमाल के यहाँ पे कोई है नहीं, अभी कोविड के कारण यहाँ पे कोई है नहीं, दरवाज़ा वगैरह बंद है, क्लोज है, टिकट वगैरह भी। यहाँ पे डस्टबिन बना हुआ है पेंगन की, अभी क्या दिखाओ यार आप लोगों को पता है, सॉरी। और आज ना बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैंने टोपी पहन लिया है, तो फ्रेंड्स कमेंट में बता देना कि मैं कैसे लग रहा हूँ। और भाई लोग देख सकते हो आप, जन्नत का सैर करने से तो हम रह चुके हैं, आप इस बोटेनिकल का ही सैर करके अपना ज़िंदगी गुजारेंगे। हम आपको आगे ले चलते हैं कुछ शानदार नज़ारे दिखाने। भाई अभी हम कहाँ पे आ गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ पे तो कुछ है नहीं भाई, आगे ब्रिज है, अब हम ब्रिज दिखाने ले जा रहे हैं आपको भी, और मेरे भाई पसंदीद भाई को भी। काष्ठा पाठ का ब्रिज है भाई, ये काष्ठा पाठ का। एक शायरी सुना, शायरी शायरी भाई आप सुनाओ, लड़कियों के ऊपर, ये मेरा भाई बहुत अच्छा शायरी सुनाता है आप लोगों को। जिंदगी में लड़कियों ने कितने गम दिए, जिंदगी में लड़कियों ने कितने गम दिए, जितने भी नंबर दिए सबके सब बन दिए। क्या बोलते है भाई, सही है। जा रहा था दिखाना कैमरा, अंकल अंकल परेशान हो गया, अंकल परेशान हो गया, अंकल बार बार मुड़ के देख रहा है कि क्या डायलॉग मार रहा है। अंकल को भी जवानी का जोश आ गया वैन जो डायलॉग सुन के, माइक गिर गया ब्रो। कुछ कहानी सुनाओ।
जिंदगी में बहुत बकवास है भाई, क्या करना है जिंदगी, भी अपने जिंदगी जन सही बात है, फते तो फते नवाब गिरी हटे, सही बात है। आप मैं अपने पसंदीदा भाई के ऊपर एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल इशार। रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं, रेगिस्तान भी हरे हो जाते हैं जब पसंदीद के साथ बंटी भाई खड़े हो जाते हैं। सही बात है। बुलेट वाले ने तो हमारी गांठ फाड़ दी पीछे से, जो सुसाइड नहीं कर सकते भाई। ये खतरनाक लुक से और ऊपर को लंबा, यहाँ से कोई नज़ारा बहुत अच्छा है यार। ऊंचाई में पहुंच के क्या समय आसमान की बुलंदी पर पहुंच गया तो सही बात है। अच्छा अच्छा किसके सॉन्ग सुनते हो ज्यादा देर? हाँ नाम लिख लेता हूँ, ठीक है नंबर सेव करके देता हूँ। भाई ये मेरा नंबर है, सेव कर ले। और बाहर कहीं पे फंक्शन फंक्शन में गया था? बाहर ये एक ही बार गया था अभी, अपना ये नहीं गया ना जलंधर, एक ही बार गया। एक वीडियो ना आपका जी, बीच फुट है आपके पास तो बीच के साथ हो जाता है ना। जाने मन तेरी आंखों में आंसू, मांग के देख दिल बाहर निकाल दूं, तेरा मेरे नागिन का प्यार तेरा बिना है जीना बेकार, अग्नि को साथी मांग के तेरा सर, जन्म जन्म का करो ना सर, तुझसे फिर जलंधर वाली सर, चंडीगढ़ 5 किलोमीटर दिला दे। तो दोस्तों अभी एक कलाकार मिला था, उभरता हुआ सितारा, बंदा रैप गा रहा है सही है, तो उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताया और अच्छा लगा, टाइम वेस्ट भी हो गया। अब चलते हैं आगे को, उबरता हुआ सितारा देश का उबरता हुआ सितारा, पता नहीं है हमारे को कि उबरता सितारा निकलेगा कि गांठ खोटी करने वाला निकलेगा। ये अपना भाई पसंदीद, अपना टाइम आएगा, घंटा लेके आया, चश्मा पहन के जाऊंगा। सही बात है। और सामने से कोई आ रहा है, मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा, मैं दिखा देता हूँ। हाँ भाई लोग, जैसा कि देख सकते हैं आप, रिकॉर्डिंग ऑन है। अच्छा हाँ, सॉरी, सूर्य की किरणें हमारे सीधे काले मुंह पे पड़ रही है। आए थे हम बोटानिकल गार्डन दिखाने, पर हम कहीं खो गए, अब पता नहीं लग रहा है कि हम क्या दिखा रहे हैं आप लोगों को। यार इतना कुछ है बनती दिखाने के लिए, दिखाओ भाई दुनिया को, दिखाओ कहाँ पे आए हैं हम, कौन सी जन्नत पे आए। रुक जाओ भाई, दिखा देते हैं। अभी तो अप्सरा भी आएंगे। अप्सरा कहाँ है? अप्सरे का टाइम अभी है नहीं भाई, अप्सरे थोड़ी देर बाद आएगी। हाँ। क्योंकि जब धूप होते है अस्तर अप्सरे अपने बिल में छुपी होती है भाई, बिल में छुपी होती है, तो अप्सरे अपने बिल में छुपी होती है। उनको पता है कि दो कलयुग की लेजेंड आया है। सही बात है। कौन कौन? बंटी बोर एंड और प्रसंजीत होजोंग। ये मेरा भाई होजोंग, होजोंग काफी हाजोंग होता है, हाजोंग एक नाम नहीं ब्रांड है, ब्रांड। ये भाई अपना भाई असम से है और दूर हिमाचल से, पहाड़ों से चढ़ के पहाड़ों की ऊंचाई लांग पार करके समुंदर पार करके यहाँ पे आया है मेरे पास, पता नहीं कौन सी मकसद से आए होंगे। मकसद तो कुछ नहीं है भाई, मकसद तो कुछ एक कुछ और बातें सुनाओ। क्या सुनाओ भाई? शायरी सुनाओ कुछ। ओ आगे से सुंदरी आ रही है, दिखा देता हूँ मैं अभी। वो हम जाते हैं
भाई हम जाते थे इसी रास्ते से गए थे ना। हाँ भाई मेरे को भी कुछ ऐसे ही लग रहा है। अरे दुनिया गोल है भाई और सही बात है। जैसा कि अभी दिखाया मैंने आपको बंदियाँ, लेकिन बंदियाँ तो दिखाया उसके पीछे उसका बाप भी आ रहा था। हमारे को जूते भी पड़ सकता था भाई। दुनिया गोल है लोग होते हैं। कहाँ से लाते हो भाई आप ऐसे भाई ब्रांड चीज ना हमारी जेब में होते और कहीं नहीं। ओ माय गॉड मारो मुझे मारो भाई। रियल में नहीं बोला सॉरी। कोई आता है अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वेट लूज करने के लिए, कोई आता है दुनिया सोचती है हम आए मजे के लिए। दुनिया सोचती है हम टैलेंटेड है, हमारे अंदर अच्छे गुण है, लेकिन वो बहुत बड़ी चूती है, उनको पता नहीं है उनका चूतिया पा। अभी दिखा देंगे हम आपको उनका चूतिया पा। ये देख लीजिए, वो देख लीजिए भाई लोग जो क्या बोलते हैं, वो क्या बोलते हैं भाई यार, बालियों में शादी करके दस दस बच्चे पैदा करके आके बैठे हुए हैं। बक्सोट के लोग बोलते हैं इनको, बक्सोट के। ओ बहन, अभी हम आपको अद्भुत प्राणी दिखाएंगे। कुछ लोग तो ऐसा है ना, जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से मैं देख रहा हूँ डोर रहा है सुबेरे। सही बात। पर साला उसका वजन ना जैसे वैसे लग रहा है मुझे। वेट वजन तो छोटो भी उतना ही दे रहा है। वजन की तो नहीं गलत नहीं बोलेंगे, खाने तो कम नहीं करते, जो मिले वही खाएंगे है ना। और सबसे बड़ी बात पता क्या ब्रो, दूसरों की शादी में जाते हैं ना, शादी में फ्री का खाना मिलता है, ऐसा ऐसा ठूसते है ना घर में ना, 7 दिन पहले से खाना बंद कर देते कि वहाँ पे जाके फ्री में मिलेंगे। वो भी है भाई। हाँ तो फिर कहाँ से कम होंगे। अब यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि पार्क में शाम के टाइम पे कितने सही नज़ारा होता है। नज़ारा बहुत सही है, बोलने के लिए कुछ है नहीं। अभी फ्रेंड्स शाम की टाइम हो चुका है 5:21 और ये सही टाइम है लोगों के लिए रनिंग करने के लिए, पार्क में घूमने के लिए। तो बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग घूम रहे हैं। हेलो भाई लोग, अब जैसा कि आपने देख लिया, हमने आज आपको पूरा बॉटेनिकल गार्डन घुमा दिया। तो दोस्तों हमारा ब्लॉगिंग हो चुका है आज यहाँ पे ख़त्म, और ये मेरा पहला ब्लॉगिंग वीडियो था क्योंकि मैंने पहले सिर्फ सिनेमेटिक वीडियो बनाया है, मुझे पता भी नहीं था कि ब्लॉगिंग में क्या बोलना होता है, कैसे दिखाना होता है, कोई एक्सपीरियंस है नहीं। तो मेरा फर्स्ट ब्लॉगिंग वीडियो था, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि मुझे क्या इम्प्रूव करना है और आपको वीडियो कैसा लगा है ज़रूर बता देना। और इस वीडियो को मैं एम रखता हूँ 1000 लाइक की और व्यूज रखता हूँ 5000 की। पता है मुझे बहुत थोड़ा ज़्यादा है, पर कर देना यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों को, क्योंकि जैसे आप लोग लाइक कमेंट करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, तो हमें मोटिवेट मिलता है। जैसे हमें मोटिवेट मिलता है अपने अपना एक ना एनर्जी से आता है कि भाई एम ज़्यादा तो नहीं रखा लाइक की। नहीं नहीं भाई सही रखा हुआ है बिल्कुल, अपने भाई लोग हैं यार, कैसे नहीं करेंगे सब्सक्राइब। जरूर कर देना यार, रिक्वेस्ट है आप लोगों को यार, सपोर्ट चाहिए आप लोगों के, मेरे चैनल में बिल्कुल ग्रोथ नहीं है यार। सपोर्ट कर लो यार, तुम्हारा भाई भी है यार इस वीडियो में यार, तो आप लोगों के सपोर्ट के बिना बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो सकता, बहुत सपोर्ट की जरूरत है इस टाइम पे। भाई को भाई लोग हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और आगे से आगे शेयर करो, यही उम्मीद करते हैं, बाकी अनलाइक ना करें।
और वो आप बता देना कि कमेंट पे कैसा लगा है वीडियो, कि हमें क्या इम्प्रूव करना है, क्या गलत हुआ है हमसे, क्योंकि हाँ हमें पता है कि बहुत गलत हुआ होगा, कि एक्सपीरियंस है नहीं हमें। कमेंट करना जरूर और शेयर करना अपने दोस्तों से, अगर आपको अच्छा लगा है तो शेयर करना ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।